खबर झारखंड से 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार, झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में टीचर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति के आधार पर 1932 का खतियान होगा। भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार के 1985 की स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में इसी राज्य के लोग शिक्षक बनेंगे, दूसरे राज्य के लोग अब झारखंड में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। झारखंड के मानव संसाधन विकास मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान पर चिढ़ सकता है घमासान। टाना भक्तों के आंदोलन से रेल अधिकारी परेशान, सरकार से की जल्द पटरी खाली कराने की अपील। कल शाम से झारखंड के लातेहार जिले के टोरी इलाके के पास रेल पटरी पर चल रहे पब्लिक एजिटेशन के कारण इस रूट से आने जाने वाली सभी यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां पूरी तरह बाधित हो गई है। इससे पहले भी यहां जुलाई और अगस्त महीने में इसी तरह के एजिटेशन हो चुके हैं जिनसे ट्रेन बाधित हुई थी। झारखंड में अगले 5 दिन मानसून रहेगा कमजोर, झारखंड में बादल छटने के आसार है। राज्य में मानसून अगले 5 दिनों तक कमजोर रहने के संकेत है। 7 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों में बादल छा सकते हैं, 1 या 2 बार हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में 15 सितंबर से शुरू होगा क्रिकेट, हर खिलाड़ी का होगा कोरोना टेस्ट, मैच के दौरान नहीं कर पाएंगे काम। कोरोना वायरस की वजह से 5 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही है, ऐसे में खेल गतिविधियां भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। झारखंड में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां चल रही है। जल्द ही रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। झारखंड के इस इंजीनियर ने बनाया एक ऐसा झूला, झूलने से भरती है पानी की टंकी और घर में आती है बिजली। इस वक्त मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा जोरों पर है। इस दिशा में लगातार स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल और देश में ही आविष्कार करने पर जोर दिया जा रहा है। ये सिर्फ चर्चाओं में ही नहीं बल्कि अपने देश में रोजाना इस दिशा में काम होते रहते हैं। फिलहाल ऐसा ही एक स्वदेशी आविष्कार झारखंड में हुआ है। यहाँ के एक इंजीनियर ने ऐसे झूले का निर्माण किया है जिस पर झूलने से पानी की टंकी भर जाती है। इतना ही नहीं, हजारों वाट के बिजली उत्पादन से घर की बत्तियां भी जलने लगती है। शिक्षा के साथ साथ जन सहयोग में जुटे रहे झारखंड के शिक्षक। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में स्कूल तो बंद थे, लेकिन झारखंड के शिक्षक बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के साथ साथ जन सहयोग में जुटे रहे। सिमडेगा जिला के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी स्मित कुमार सोनी ने लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने पर समाज के शिक्षा के लिए जागरूक किया। घर घर जाकर सुदूर इलाके के लोगों को शिक्षा और पढ़ाई की महत्ता बताई। खुद बच्चों के बीच जाकर उन्हें मिल रहे डिजिटल कंटेंट में हो रही समस्याओं का निदान किया। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें गाँव के दूसरे लोगों के मोबाइल से कंटेंट उपलब्ध कराया। मांझी दंपति की मदद को बड़े हाथ, 4 पहिया वाहन व विमान से झारखंड वापसी की पेशकश। 6 माह की गर्भवती पत्नी को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की डिलेड एजुकेशन परीक्षा दिलाने झारखंड से ग्वालियर आए धनंजय मांझी की मदद के लिए अब कई हाथ बढ़ने लगे हैं। मांझी दंपति को निजी 4 पहिया वाहन और विमान से झारखंड वापस भेजने की पेशकश की गई है। खबर का असर कई लोगों मदद करने के लिए सामने आए। झारखंड के गोड्डा जिला के गंगटा टोला गांव के निवासी इस दंपति का ग्वालियर के लोग मदद को आगे आए हैं। गर्भपति सोनी हेम्ब्रम व उनके पति धनंजय कुमार मांझी गुरुवार को दिन भर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं व मीडिया से घिरे रहे। इस दौरान कई सामाजिक, व्यापारी एवं राजनीतिक संगठन ने उनकी मदद की पेशकश की है। खबर है बिहार से, महागठबंधन मांझी के हटते ही 25 सीटों पर दावा करने लगी है वीआईपी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। गठबंधन से हम की राहें जुदा होने के बाद भी सीटों के बंटवारे का मसला सुलझता नजर नहीं दिख रहा है। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी,
के नए दांव ने फिर राजद के सामने एक और मुश्किलें खड़ी कर दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महागठबंधन से अलग होते ही वीआईपी ने 25 सीटों पर दावेदारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी संभावित क्षेत्रों के साथ ही उम्मीदवारों के चयन में जुटे हुए हैं। 25 सीटों की मांगों को मुकेश सहनी तकनीकी कारण बताते हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि गठबंधन में उन्हें 25 सीट मिलने से सहयोगी दलों को ऐतराज नहीं है। खबर है उत्तर प्रदेश, यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाएगी भाजपा। 14 से 20 सितंबर तक होंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह का आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश में सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम 14 से 20 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांगों की मदद के लिए शिविर आयोजित करने के अलावा कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा की व्यवस्था के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारी क्षेत्रीय व जिला अध्यक्ष की वर्चुअल बैठक में सेवा सप्ताह की तैयारी पर चर्चा की। स्वतंत्र देव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन काल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए सेवा कार्य ने राजनीतिक धारा को बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दिव्यांगों को उनकी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रम भी होंगे। वर्चुअल गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और स्वच्छता व वृक्षारोपण कार्यक्रम भी होंगे। पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक, क्रिप्टो करेंसी में मांगी डोनेशन। तो आपको बताते चलें कि जॉन वीक ने हैक किया। हैकर्स ने पीएम की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट से किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक करने वाले हैकर्स ने अकाउंट से ट्वीट किया है। हाँ, यह अकाउंट जॉन वीक द्वारा हैक किया गया है। हैकर्स ने फॉलोअर्स से पीएम राहत कोष में क्रिप्टो करेंसी में डोनेट करने की भी अपील की है। बकौल ट्विटर, उसने पीएम के अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख का लद्दाख का 2 दिवसीय दौरा शुरू। रिपोर्ट्स हैं कि सामरिक तैयारियों की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को लद्दाख का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। इससे पहले भारतीय सेना ने कहा था कि चीन सेना ने 29-30 अगस्त को LAC पर एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की उकसाने वाली सैनिक गतिविधियों की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें विफल कर दिया। 14 नवंबर से शुरू हो रही है श्रीलंका में प्रीमियर लीग। पहली बार आयोजित हो रही है श्रीलंका में प्रीमियर लीग SLPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 14 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक 3 अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 23 मैच होंगे और 5 टीम हिस्सा लेगी। बतौर SLC इसका आयोजन पहले 28 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना था। कुवैत से पारादीप 20 अगस्त बैरल कच्चा तेल ला रहे न्यू डायमंड में लगी आग, सामने आई है तस्वीर। इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कुवैत से 20 लाख बैरल कच्चा तेल ला रहे कैरियर न्यू डायमंड में गुरुवार को श्रीलंका तट से 37 नॉटिकल की दूरी पर आग लग गई, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अनुसार श्रीलंकाई नौसेना ने आग बुझाने में मदद मांगी थी और तुरंत सहायता भेज दी गई थी। खबर है झारखंड से। झारखंड में 1.48 करोड़ जनधन खाता खुले। कोरोना काल में लोगों तक सरकारी मदद पहुंचाने में मिली मदद, बोले RBI के अधिकारी। भारतीय रिजर्व बैंक के झारखंड के जनरल मैनेजर संजीव दयाल ने कहा कि वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को लगातार आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहना। झारखंड में 1.48 करोड़ जनधन खाता खुले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जनधन खाता योजना और बैंकिंग सेवा के डिजिटलाइजेशन से महामारी के दौरान में सरकारी मदद आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं PIB रांची की ओर से आयोजित वेबिनार प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर बोले, झारखंड में मानसून मेहरबान पर 70% पानी हो रहा बर्बाद। झारखंड में पूरे साल में औसत 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार मानसून के 2.5 महीने में कई जिलों में 1300 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा पहुंच गया है। 20 सितंबर के आसपास राज्य में मानसून की वापसी होने लगती है, यानी अभी और 15 से 20 दिन तक मानसून की बारिश के आसार हैं।
गरीब कल्याण रोजगार प्रवासियों के लिए बनी नई सुबह। अकाल के दौरान अपार दिक्कतों को सहन कर घर पहुंचे तो जरूर, लेकिन परिवार का खर्च चलाने का दर्द रह रहकर उन्हें बेचैन करती रही। ऐसे में गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासियों के लिए नई सुबह बनकर आई है। जनपद के 23,000 से अधिक प्रवासियों एवं कामकाजी को रोजगार मुहैया कराया गया। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों ने इन्हें रोजगार देकर बेरोजगारी के दंश छुटकारा दिलाने का काम किया है। खबर है मनरेगा से। मनरेगा के तहत 11,225 लोगों को उपलब्ध कराया गया रोजगार। जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जिले के 96 पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे 319 योजनाओं से जोड़कर कुल 11,225 प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। विगत एक महीने में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में किए जाने वाले कार्य के रैंकिंग में जिले को पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रियंका का मोदी सरकार पर निशाना, पूछा युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर में सवाल किया कि युवाओं को रोजगार दिए बिना कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। 15 सितंबर तक लागू हो जाएगी कर्ज पुनर्गठन योजना। सरकार की इस योजना से लाखों कर्जदारों को होगा फायदा। खबर है रेलवे से। रेलवे बना रहा नया टाइम टेबल, 500 ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज हो सकते हैं बंद। खबर है बिहार से। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस चुनाव समिति के प्रमुख अखिलेश सिंह भी बुधवार को रांची पहुंचकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। खबर है एटीएम से। निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ने इसकी जानकारी दी। बैंक ने कहा कि उसने इस सुविधा के लिए वैश्विक वित्त प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनी एमपेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। झारखंड में आरजेडी विधायक क्वारंटाइन, बिहार में बड़ा सियासी पारा। बिहार के गया के बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी की रांची पहुंचने के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिए जाने के लेकर बीजेपी और जदयू ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। आरजेडी के विधायक समता देवी बुधवार को पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने रांची पहुंची थी। इसके बाद प्रशासन ने बिना आदेश के अन्य राज्य से आने के कारण 4 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। आरजेडी विधायक को क्वारंटाइन किए जाने को लेकर बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और झारखंड सरकार को घेरा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से होगा शुरू, जाने सरकार की क्या है योजना। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री के बीच विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रणा हो गई है। सूत्रों के अनुसार अल्प अवधि के लिए सत्र आहूत किया जाएगा। इस दौरान जरूरी विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, राजेश शुक्ल। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को ईमेल भेजकर झारखंड और बिहार के अधिवक्ताओं को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया है। मत्स्य रोजगार के लिए लाभुकों का अंशदान जरूरी। डीडीसी आर रोटिना ने गुरुवार को मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। खास तौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभुकों को चयन पर विचार विमर्श किया गया। इस योजना के तहत लाभुकों को मत्स्य रोजगार के क्षेत्र में कई अवसर प्रदान किए गए हैं, लेकिन योजनाओं की कुल लागत के 40% तक की राशि लाभुक को लगानी है, जो अंशदान है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।